ओगुबे लेग पे आ गए। आइए आइए आइए। हाय मिसेज राठी, बहुत दिनों बाद आपको देखा। हाँ मिसेज राठी, काफी दिनों बाद आई ना मिडी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। हाँ बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा मिल लूँ आप सबसे। आइए ना, आइए आइए, चलिए चलिए। काम काम काम। सुमित्रा, तुमने वो समोसे ऑर्डर किए ना उस टपरी वाले से? अरे हाँ हाँ, मैंने ना मंगवा दिया है वहाँ से। वो आता हूँ कभी लेके समोसे। हाँ थैंक यू थैंक यू, चलो चलो। बैठी बैठी बैठी। हाँ हाँ हाँ, बैठते बैठते। हाँ हाँ बैठते हैं। नीलमा जी बैठिए आराम से, हाँ अपना ही घर समझिए। हाँ हाँ। और शर्मिला, घर की बाकी लोग कहाँ है तुम्हारे? नहीं नहीं, वो सारे ना बाहर मतलब घूमने गए हैं, अभी कोई नहीं घर में। मैंने कहा सबको आज मेरी किटी पार्टी है, आप सबको बाहर जाना पड़ेगा, सब चले गए। It's not what it looks like. बेटा अब तू भी देख, तेरी बीवी क्या ये किटी पार्टी करती और हमें रूम में ऐसा बंद कर दिया। हम क्या क्रिमिनल है क्या? अरे माँ, मैंने उसको बोला था, पर वो मुझे बोल रही थी कि सुमित्रा को उसने पहले ही बोल दिया है, तो उनका पहले से ही प्लान फिक्स था। बहुत अच्छा है तुम्हारा, हमरे ये तो मेरी बात जरा से भी नहीं मानते। अरे शर्मिला, अब पानी भी नहीं पूछोगे क्या तुम? अरे हाँ, लाती हूँ लाती हूँ, पानी लेती हूँ। और कुछ लाओ ठंडा गर्म कुछ। जा, अरे नहीं अब के लिए सिर्फ पानी ही लाओ, क्यों? लाती हूँ। वैसे दादी, ये किटी पार्टी में एक्चुअली होता क्या है? अरे बेटा तुझे पता है, मैंने ना सुना है, ये औरतें ऐसा किटी पार्टी करती है ना, तो उसमें कभी कभी वो विस्की या फिर वोडका भी मारती है, पता है? तुम अपना ये मटके जैसा जो मुंह है ना वो बंद करो, तुमको शर्म नहीं आती बहू के बारे में ऐसा बोल रही हो तुम? अरे आपकी बहू को मैंने थोड़ी बोला है, आप इतना क्यों मचल रहे हो? आपकी बहू को नहीं बोला मैंने, सिर्फ ऐसा सुना है। वो मूवीज में दिखाते हैं ना, बहुत सारी ऐसी औरतें बैठती है किसी पार्टी और फिर वो ऐसे पेग लगाती है। तो तुम ऐसी मूवीज देखती हो? अरे मुझे पता होता है क्या मूवी में क्या है क्या नहीं, अब कैसे कैसे सीन होते हैं मूवी में, मूवी में मैं क्या पहले से मूवी देख के आती हूँ क्या? कुछ भी बोलते हैं। लीजिए लीजिए पानी लीजिए। आ गया पानी, आ गया। सुमित्रा जी पानी आप ही पियो, मुझे पीने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर यहीं पे है, मैं जा सकती हूँ मेरे घर पानी पीने। आप पियो। अच्छा तो हम पी लेते बा। आप पीजिए, मैं ओनली बॉइल वाटर पीती हूँ। और मिसेज राठी, क्या क्या चल रहा है फिर? हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है। वैसे शर्मिला, तुम्हारी वो डॉटर, उसका नाम क्या? श्रेया, कौन सी स्टैंडर्ड में अभी? मेरी बेटी अभी 11 में, इतनी इतनी स्टडी करती है ना मेरी बेटी, इतना मतलब क्या अभी मैं क्या बोलूँ। और वैसे ना मेरे बेटे भी इतनी है ना, इतनी मतलब इतनी स्टडी में इतनी माहिर है मेरी बेटी, इतना अच्छे से स्टडी करती है ना वो, सारा अभी उसको सारा ना आउट ऑफ ही मिलने वाला है। वैसे सुमित्रा, तुम्हें मतलब बुलाया था ना मैडम ने, वो निर्मला मैडम थी, उन्होंने बुलाया था ना तुम्हें तुम्हारी बेटी को कुछ बताने के लिए? हाँ हाँ, गए थे ना, गए थे निर्मला मैडम के पास गए थे हम। बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने हमारे साथ, और अनुष्का की भी बहुत तारीफ कर रही थी वो। ऑनलाइन जो लेक्चर हुए उसका आप रिजल्ट लेके जाइए साथ में, देखिए आपके बेटी के गुल। नहीं नहीं नहीं, मत दिखाइए। नहीं नहीं, जरा देख के तो जाइए। अरे रहने दीजिए, अभी इतना देख लिया और क्या देखना बाकी है, चल। और ना उन्होंने ये भी कहा ना कि 7-8 महीने पहले ना वो तुम्हारे यहाँ पर भी आई थी। कुछ नहीं आता आपकी बेटी को, पिछले टेस्ट में, दोनों टेस्ट में पूछिए कितने मार्क्स है, बोल।
कैंटीन में से फाइन। जाने दूला सुमित्रा, मेरी घर पे आई थी ना वो, तब भी वो मतलब अच्छा ही बोल रही थी। तुम्हारी बेटी के बारे में वो अच्छा ही बोल रही होगी ना। तो ये बात को यही मिटा दो। हाँ हाँ, यहीं पर मिटा देते ना, हम क्या यहाँ पे किटी पार्टी चल रहे हो, हम क्या। दीदी, ये किटी पार्टी में किसी खास टॉपिक के ऊपर बातें होती है क्या? अरे सिर्फ नाम की किटी पार्टी होती है, उसमें सारी गॉसिप्स ही होती है। अरे मैंने देशपांडे भाई को भी बुलाया था, पर वो ना अगले पल मतलब पलट गई। वो बोलने लगी कि किटी पार्टी में अगर राठी जी होंगी तो मैं नहीं आऊंगी। एक नंबर की घटिया औरत थी वो। अरे पिछली बार उनके घर गई थी तो गलती से मेरा ना मतलब उनका जो फ्लावर पॉट था वो गिर गया मुझसे। इतना बड़ा झगड़ा किया उस औरत ने, उसके बाद से तो मैंने उसके घर में जाना ही छोड़ दिया। वो देश पांडे भाई जो है ना, मुझ पे थोड़ी सी ऐसी ही लगती है। मैं तो उससे बात भी नहीं करती, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। अरे छोड़ो ना, उसकी वजह से हमारी किटी पार्टी का सारा मूड ऑफ हो रहा है। हाँ, हमारी किटी पार्टी का मतलब खराब हो रहा है। अरे क्या ये, अभी दो घंटे हो गए, पता नहीं इनकी किटी छुट्टी कब खत्म होगी। पापा मुझे सूसू आई है। बेटा बेटा जरा कंट्रोल कर बेटा। शशिकला जी, आपकी न्यू हेयर स्टाइल तो काफी अच्छी लग रही है। ओह दिस वन। अरे हमारे यहाँ पे एक सैलून बना है, उसका जो ब्यूटिशियन है ना वो पेरिस से आया, पता है पेरिस से। और इतना सुंदर ब्यूटिशियन है ना वो, मतलब ब्यूटिशियन सुंदर नहीं है बट उसकी हेयर स्टाइल इतनी सुंदर है। ये स्पेशल उसने मेरे लिए डिजाइन की थी, यूरोपियन हेयर स्टाइल। इतनी ब्यूटीफुल है ना, तुम देख सकते हो। मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगी, तुम भी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी सलाम। मैं तो ना ऐसे हेयर स्टाइल फेस्टाइल पर ना मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मेरा जो है ना वो एकदम नॉर्मल मतलब रूटीन होता है बालों के लिए। दादी दरवाजा खटखटाओ, मुझे बहुत जोर से आई है। अरे बेटा कंट्रोल कर ना, क्या करूं मैं इसका। अरे बेटा जरा कंट्रोल कर। शर्मिला, ये डोर कौन बजा रहा है अंदर? अरे बिल्ली होगी, बिल्ली। ओ वैसे इस बार का खर्च कितना रखना है? इस बार ना 1,000 रुपए से ही काम चलाती है वो। क्या है ना, अभी कोरोना की वजह से सबको मतलब पैसों की भी थोड़ी कमी है, तो 1,000 रुपए से ही काम चलाती। क्यों? हाँ अभी पैंडेमिक है ना, तो मुझे भी लगता है ना 1,000-1,000 से ही काम चलाते हैं इस बार। या इस बार हम सब ना 1,000 रुपए ऐड करते हैं, मतलब इस बार की खर्ची हम 1,000 रुपए करते हैं, बिकॉज सबको ही पता है मतलब सबकी कई प्रॉब्लम्स हैं। हाँ बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बात की खर्ची कौन उठाएगा? तो किसको चाहिए इस बार पैसे, मतलब जरूरत किसको है? हमको भी जरा इस बार पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या सोच रही हूँ इस बार मैं ले लेती हूँ फिर से। नीलिमा जी, आपने पिछली बार ही ली थी, ऐसा नहीं होता। आपको इस बार मतलब नहीं, मतलब आपने पिछली बार ली थी, आपका तो चांस ही नहीं बनता। अरे शर्मिला जी, ऐसा कहाँ पे लिखा है का, अगर पिछले महीने मैंने खर्ची ली हो तो इस बार मतलब मैं नहीं ले सकती, ऐसा कहाँ पे नहीं लिखा ना। वैसे मुझे भी जरा जरूरत ही है, अभी क्या है मतलब ना सासू माँ का जो है ना हमारा ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए था। और वैसे ना मुझे भी मतलब चाहिए, मतलब क्या है ना अभी थोड़ा सा मतलब मुझे भी अर्जेंट है पैसों के लिए। सुमित्रा तुम्हें क्या जरूरत है अभी? हाँ तुम तो इतना बोलती हो ना, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं कभी नहीं लूंगी। अभी क्या यार सुमित्रा जी, आप तो हर बार कहती है आपको कोई जरूरत नहीं खर्च उठाने की, तो कभी क्या हो गया आपको? शर्मिला टाइम का किसी को पता क्या आता है क्या? क्यों नीलिमा जी, हाँ कब क्या हो जाए, पैसे की जरूरत तो होती है ना। अभी मैंने कभी नहीं लिया तो मुझे लेनी चाहिए कि नहीं? राखी जी आपको भी अभी लेनी है क्या? अभी मैंने लेती, पर क्या है अभी मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे भी लेना है अभी, मतलब चाहिए मुझे, अर्जेंट है पैसों की। ऐसा अगर होगा तो फिर हम कैसे मतलब ये करेंगे ना? तो ऐसा होता है क्या? मैंने आज तक नहीं लिया है, पता है आज तक मैंने कभी नहीं ली। हाँ इस बार मुझे लेनी चाहिए, मतलब ये हमारी खर्ची जो है ना मैं खर्ची लूंगी इस बार, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शर्मिला, तुम ज्यादा भी कर रही हो। नीलिमा जी आपको भी कोई जरूरत नहीं है। शशिकला जी आपके पास तो इतना पैसा है ना, हाँ आपको जरूरत नहीं है। और कौन बचा? हाँ राठी जी आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आपको? मुझे जरूरत है, तो फिर आ जाओ। अब किसको देनी है मतलब बोलो अभी। नहीं आई रियली नीड, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पैसों की अभी अर्जेंट ही है, तो मैं अभी लेना चाहूंगी।
से शिकला जी, आपने बोला था कि आप 2 महीने बाद ही लेंगी। हाँ, मैं गवाह उस बात की हूँ। शशिकला जी ने ना और दो में कहा था कि वो 2 महीने नहीं लेने वाली है। जस्ट शट अप, हाउ क्लासलेस पीपल यू आर। इस बात की खर्ची मैं उठाऊंगी। क्या मैनर्स नहीं है इसको, क्या मैं बोलूँ अब इसको। ओ गोबर के क्रीचर, आप जरा चुप बैठो। अरे क्या है शशिकला जी, आपको क्या मैनर्स नहीं है क्या बात करने का। शशिकला, ये क्या बात करने का तरीका है क्या? तुम हमें क्या इतना मतलब गया गुजर समझती हो क्या? और जस्ट शट अप, इनफ इज इनफ। तुम सारी की सारी मैनर्स लेस क्लास लेस हो क्रीचर्स कहीं की। ये सब कुछ तुम्हारी रिस्क है सुमित्रा। अब मैंने क्या किया शर्मिला? सुमित्रा ये तुम्हारी गलती है, तुमने उस शशिकला को बुलाया था, समझी ना? हाँ मेरी गलती ना। चलो जाओ, आया तुम जाओ ना, मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। ए चल निकल निकल, तो निकल। मैं अनुस कहेंगी, मैं अनुस कहेंगे इसमें। क्या रे, कितना